तो ये जो सेशन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। तो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि छह सेक्शन होता है सीए पे पेपर टू में, म्यूट कर लेना रविश। छह सेशन होता है, सॉरी छह सेक्शंस होते हैं, उसमें ग्रामर सबसे इजी है। तो आप लोगों को अगर बहुत थॉरो प्रिपरेशन है आप लोगों की, तो जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट करते हो सबसे पहले ग्रामर का सेक्शन करो। नेक्स्ट स्कोरिंग सेक्शन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। ये आप लोगों के लिए स्कोरिंग तब बनेगा जब इस क्लास में जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसको आप फॉलो करोगे। फाइन, तो शुरू करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये राइटिंग सेक्शन की बुक है और इसका हार्ड कॉपी आप सभी को मिलेगा जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। और ग्रामर का बैच शुरू हो रहा है 16 जनवरी से यूट्यूब प्रीमियम में, और वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होगा। सारे क्लासेस आपको एक ही बार में मिल जाएंगे और फीस होगी 99 रुपीज पर मंथ। ग्रामर की बुक भी अवेलेबल है, ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन लेना है ऑफलाइन भी ले सकते हो। वेबसाइट capfreshmen.com में विजिट करना। एनीवे चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, सीएपीए पेपर टू में एक ही पैसेज आता है। अगर आप पहले वाला देखोगे 2011 से पहले, ठीक है, दो पैसेजेस लिखते थे। इनफैक्ट 2011 में भी दो पैसेजेस है, ठीक है, 12 में भी दो पैसेजेस है, मगर अब जो ट्रेंड है उसमें एक ही पैसेज होता है। और एक पांच क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है चार होता है, ठीक है, तो टोटल 20 मार्क्स का होता है। और इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है स्टूडेंट्स। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये जो कॉम्प्रिहेंशन है SION, ये नाउन फॉर्म है और इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। और इस कॉम्प्रिहेंशन का वर्ब फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड का मतलब, बस यहाँ पर डी लगा दो, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट यू आर सेइंग, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी पढ़ते पढ़ते आप क्या समझ भी रहे हो, और जो आप समझ रहे हो क्या वो सही समझ रहे हो, ये एग्जामिनर टेस्ट करता है। कैसे, क्वेश्चन देकर। यदि आपने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है तो इसका मतलब आप पैसेज को पढ़कर समझे भी हो। अगर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है तो पैसेज पढ़ के आप नहीं समझे हो। ओके, तो क्वेश्चन सेटर्स थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एसेंशियली असेस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ द पैसेज एंड दे इवैल्यूएट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स बाय गिविंग सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज, ठीक है। वो क्वेश्चंस पैसेज के बेस पे रहता है। प्रॉब्लम क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, पहली प्रॉब्लम है लेंथी पैसेज, दूसरी प्रॉब्लम है रीडिंग स्पीड, और तीसरी प्रॉब्लम है शॉर्ट अटेंशन स्पैन। तो स्टूडेंट्स ये तीनों का जो सोल्यूशन यही है कि आप लोग रोज देख देख कर लिखो या सुन सुन के लिखो। दूसरा सोल्यूशन रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदू एडिटोरियल पेज, इंडियन एक्सप्रेस भी कोई कोई पढ़ता है तो वो भी ठीक है, और एक मैगजीन आपको लेना है। तो चाहे कितना भी लेंथी पैसेज हो आप बहुत स्पीडली आप पढ़ सकते हो। फाइन, और एक और प्रॉब्लम क्या होती है, ये मेरे साथ भी होती है, हम लोगों का कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत, कंसंट्रेशन और पेशेंस आजकल बहुत कम हो चुका है, इसीलिए आजकल यूट्यूब में भी आप शॉर्ट्स देखने लग गए हो, ठीक है। उस वो 30 सेकेंड का 50 सेकेंड का होता है मगर उसको भी हम स्किप कर देते, उसको भी हम पूरा नहीं देखते, इतना हमारा अटेंशन स्पैन या कंसंट्रेशन या पेशेंस इतना कम हो चुका है। फाइन, तो इसकी वजह से भी तब क्या होता है कि हमने फर्स्ट पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में हमने कुछ पढ़ा और थर्ड पैराग्राफ में हम पहुंचे हैं और उससे कनेक्टेड कुछ फर्स्ट पैरा का भी है, तो फिर हम भूल जाते फर्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है, इतना शॉर्ट अटेंशन स्पैन है हमारा। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो जो मोमेंटरी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, या हम इधर उधर देख रहे हैं या किसी और चीज में खो गए हैं, तो वो सब कैसे, इसका सोल्यूशन तो एक है, रीडिंग 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 प्रैक्टिस, और वो आपको करना पड़ेगा।
हिंदू एडिटोरियल पेज फाइन। अच्छा अब ये तो है। अब दूसरी चीज है कि हमने बहुत रीडिंग की है, मगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आपको पैसेज मिलता है ना, डू नॉट गो थ्रू द पैसेज। सबसे पहले पैसेज मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, उसमें कुछ भारी भरकम सेंटेंस आ जाते हैं, भारी भरकम वर्ड्स आ जाते हैं, तो फिर हम नहीं समझ पाते, हम उसी में अटक जाते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, वी नो दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस पढ़ने से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पैसेज का जिस्ट पता चल जाएगा, पैसेज का निचोड़, पैसेज का क्रक्स, एसेंस आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा। फॉर इंस्टेंस, सबको एक बार देख लेना, सबका म्यूट है कि नहीं। ओके अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग सभी इस क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस और पूछूंगी। सभी ने पढ़ लिया ये क्वेश्चन? फाइन, चलिए। अब मेरा क्वेश्चन है देवदित्य से। देवदित्य मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लगता है कि पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है? मैम इंडिया की पोकड़ेस के बारे में। सिर्फ इंडिया के बारे में बात हो रही फिलहाल, ठीक है। यस हाँ, हाँ यस नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष, आप मुझे ये बताइए, इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है ऑथर, जो राइटर है पैसेज का, या नेगेटिव बात कर रहा है? मैम पॉजिटिव बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्रेस की बात हो रही है। यस, प्रोग्रेस की बात हो रही है, मगर हर्डल्ड है। मगर एक और अच्छी बात क्या है, यूनिकनेस से पता चल रहा है। इंडिया के बारे में कैसे पता चल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इंडिया, सेकंड क्वेश्चन इंडिया, फिर थर्ड क्वेश्चन में भी इंडिया, तो पांच क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन इंडिया ही इंडिया है। तो हमें पता चल गया कि पैसेज पूरा इंडिया के बारे में। अब दूसरे क्वेश्चन मैंने पूछा कि पॉजिटिव बात हो रही है कि नेगेटिव बात हो रही है, तो यूनिकनेस की बात हो रही है, क्यों इंडिया को हमेशा याद रखा जाएगा उसकी बात हो रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है इंडिया के बारे में अच्छी बात की जा रही है। ओके ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, पढ़ के आप लोगों को क्वेश्चन ये बताना है कि थोड़ा सा वेग, कि जो भी पता चल रहा है कि क्या बात हो रही है इंडिया के बारे में, क्या बात हो सकती है पैसेज में। हिमांशु, मैम इंडिया के बारे में यानी उनकी वो एक वॉर के बारे में भी बताया गया है और वॉर से उनकी जीत कैसी हुई है वो भी बताया गया है हाँ और उनका प्रोग्रेस ये सब सिचुएशन में कैसा हो गया है ये भी बताया हुआ है। ओके फाइन, म्यूट कर लेना। इंडिया का प्रोग्रेस जो है ना, क्यों रुका हुआ है, ये बताया है ऑथर ने। इंडिया में क्या यूनिक चीज है, ये बताया है। ठीक है, इंडिया ने जो भी कॉन्क्वेस्ट किया है, कुछ भी अगर कॉन्कर किया है, तो उसको क्यों याद रखा जाएगा, ये बताया है ना। फाइन, तो स्टूडेंट्स आपको पैसेज से, सॉरी क्वेश्चन से, आप जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहली चीज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किसके बारे में राइटर पैसेज में बात कर रहा है। वन वर्ड, इंडिया। दूसरी चीज, क्या बात कर रहा है, वो थोड़ा वेग वेग आपको पता चल जाएगा। तीसरा, पॉजिटिव बात कर रहा है कि नेगेटिव बात कर रहा है। ये चीज आप लोगों को पता चल गई ना, तो जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, आप मतलब कि आपका जो रीडिंग है वो बेटर होगा, क्विकर होगा, एफर्टलेस होगा, और मतलब अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। फाइन,
तो इट इज अ कॉमन अप्रोच ऑफ रीडिंग द पैसेज फर्स्ट एंड देन मूविंग टू द क्वेश्चन, बट दिस अप्रोच हैज अ डिसएडवांटेज. अटेम्प्टिंग टू रीड द पैसेज फर्स्ट मेक्स द रीडिंग डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग. द रीजन इज दैट यू आर रीडिंग अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेज विदाउट एनी क्ल्यू ऑफ वॉट द पैसेज इज ऑल अबाउट. आप जब आप पैसेज पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, आपको कुछ भी नहीं पता पैसेज किस बारे में है, तो ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम होगी. मगर यदि आपने पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको पैसेज का टॉपिक पता चल जाएगा, राइटर का ओपिनियन पता चल जाएगा कि राइटर इंडिया के बारे में अच्छी बात कह रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव. आफ्टर आइडेंटिफाइंग प्रीवियसली मेंशन थिंग, आपका रीडिंग एफर्टलेस, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी. ठीक है, सो बेटर फॉलो द टेक्निक ऑफ रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट. व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन फाइंड आउट द कॉमन कीवर्ड्स. कॉमन कीवर्ड्स मतलब जैसे इंडिया इसमें कॉमन है, यहाँ पर भी इंडिया कॉमन है, इधर पर भी इंडिया कॉमन है, तो कॉमन कीवर्ड ही बन जाएगा आपका टॉपिक ऑफ द पैसेज. फाइन, और फिर अपना कॉमन सेंस लगाना कि ना पैसेज में राइटर क्या बात कर रहा है टॉपिक के बारे में. जैसे अभी मैंने हिमांशु से पूछा, ठीक है, तो वो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा. पॉजिटिव नेगेटिव वो आप लोगों को पता चल जाएगा. एनालिसिस फ्रॉम द अबव क्वेश्चंस, इट इज वेल अंडरस्टूड दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट इंडिया. द रीजन इज दैट द 3 out of 5 क्वेश्चंस आर द कॉमन कीवर्ड इंडिया. द वर्ड इन द क्वेश्चंस प्रोग्रेस, यूनिकनेस, रिमेंबर्ड आर क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द राइटर इज टॉकिंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट इंडिया. सो इवन विदाउट रीडिंग द पैसेज यू कैन इजिली इन्फर फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या करना है. यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ द पैसेज. निचोड़ पैसेज का आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है. ठीक है, तो अब आप पैसेज जब पढ़ते हो तो कभी भी एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस समझने की कोशिश मत करना स्टूडेंट्स. ये किडिश होता है, ठीक है, इमेच्योरिटी. मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे डिक्शनरी के सारे वर्ड्स पता है. नहीं, बहुत सारे वर्ड्स आते मुझे नहीं पता है, मगर मुझे फिर भी पूरा सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाता है जबकि मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं पता है. ऐसा भी होता है कि पूरा कॉलम पढ़ा, उसमें से एक दो सेंटेंस नहीं समझ में आए, थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है नहीं समझ में आए, या मेरी प्रीवियस नॉलेज उस इश्यू के बारे में उतनी नहीं है, वो भी एक रीजन हो सकता है मुझे सेंटेंस नहीं समझ में आने का. मगर फिर भी मुझे वो पूरा कॉलम समझ में आ रहा है, वो दो सेंटेंस क्या कर लेगा. नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आ रहा है, अब उसी पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. राइट, तो स्टिकिंग टू एनी इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स, ये कंप्रेसिबल लिख दिया है, एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिबल होगा, और एनी सेंटेंस फॉर लॉन्ग. अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है फिर भी नहीं मुझे तो समझना है, ऐसे करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, एग्जाम में एक एक सेकेंड इम्पोर्टेंट है, तो अपनी रीडिंग को क्विक एंड स्मूथ बनाओ. एकदम डिटेल्स में कोई जरूरत नहीं है जाने की. और एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक तो डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, एक एक वर्ड को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको ना इंफॉर्मेशन को याद रखने की भी जरूरत नहीं है. आपको तो हार्ड कॉपी मिल रही है ना क्वेश्चन पेपर का, यू नो द क्वेश्चन. ठीक है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर द क्वेश्चन एंड ट्राई टू लोकेट द आंसर. अरे हर्डल द प्रोग्रेस, अरे प्रोग्रेस वर्ड क्वेश्चन में आया था, अरे यहाँ पर भी प्रोग्रेस वर्ड है, अरे चलो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अंडरलाइन करो, वन कर दो. ठीक है, और मेक श्योर यू हाईलाइट लाइंस और कीवर्ड्स दैट कैन हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चंस. दिस मेथड विल हेल्प यू सेव लॉट्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्स. ओके, ये स्टेप टू है. स्टेप थ्री, लोकेटिंग द आंसर्स इन द पैसेज. पहला क्वेश्चन पढ़ा स्टेप वन, फिर पैसेज में गए स्टेप टू, वापस से क्वेश्चन में आएंगे स्टेप थ्री. गो टू द क्वेश्चन अगेन, क्योंकि अब आपको लिखना है क्वेश्चन के आंसर, तो गो टू द क्वेश्चन अगेन, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, रीविजिट द पैसेज, यानी आपको सेकेंड टाइम फिर से पैसेज के पास जाना होगा उसका, उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए. सिंस यू आर गोइंग थ्रू द पैसेज सेकेंड टाइम, दिस मेक्स इजियर फॉर यू टू लोकेट द आंसर. और वैसे भी आपने, आपको जो जो क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो पैसेज पढ़ के, अच्छा प्रोग्रेस है, अच्छा यूनिकनेस के बारे में बताया, ये है वर्ड यूनिकनेस आ गया है, तो वो यूनिकनेस क्वेश्चन का जो प्रोग्रेस आया उसको अंडरलाइन कर लो, यूनिकनेस आया था उसको अंडरलाइन कर लो, वाइटैलिटी भी आया था उसको अंडरलाइन कर लो. ठीक है, तो लोकेट करने में भी आसान होगा, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा. मगर कभी कभी क्या होता है जो बहुत कम केसेस में होते हैं, आंसर स्कैटर्ड होते हैं.
ठीक है, वो आपको बहुत कम केसेस में मिलेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल रहा है, लास्ट पैरा में भी मिल रहा है, तो वो ठीक है। अच्छा, अब स्टेप फोर, अब आपको आंसर लिखना है, ठीक है। द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द इफेक्टिव आंसर्स टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज आर, पहला एक्यूरेट आंसर लिखना है। जैसे ग्रामर में एक्यूरेट आंसर होता है ना, ऐसे में एक्यूरेट कंटेंट नहीं बोलते कभी भी, अप्रोप्रिएट कंटेंट बोलते हैं। मगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर में एक्यूरेट होता है। तो आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए कि वो क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करे, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, सिर्फ उसी का आंसर करो स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत लिखो। और वैसे भी पूरे पेपर टू के एग्जाम में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। आंसर व्हाट इज आस्क्ड, आंसर व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है। ये आपकी मैच्योरिटी दिखाती है। आप जैसे ना बच्चे हैं, बच्चे से एक बच्चा मुझे दिखा था, ऐसे ही बड़ा क्यूट सा था, तो सड़क में ही दिखा था, तो मैंने उससे बात की, है ना। मेरी मम्मी कुछ शॉप में कुछ ले रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बात करती हूँ। मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वेस्ट बंगाल में मायापुर, तो ये टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ से बहुत आते हैं, कोई 6 महीने रहते फिर चले जाते, कोई 5 दिन रहते चले जाते। तो मैंने इससे पूछा आप कहाँ के हो, तो बताया मैं नागालैंड से हूँ, ठीक है। अब नागालैंड से, अब उसके बाद मेरे पापा, ये मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ से हो, वो बच्चे ने बोला नागालैंड से, और फिर अब उसने बताना शुरू किया बहुत बातूनी टाइप सा। मेरे पापा नागालैंड में ये करते हैं, मेरी मम्मी कभी कभी मायापुर आती है, ये वो, इमेच्योरिटी। मगर बच्चे हैं, बच्चे तो इमेच्योर होते हैं, मगर आप लोग नहीं हो। आप पता है, आप लोग ऑफिसर बनने वाले हो, आपका कमांडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आप एक्स्ट्रा आंसर करते हो, कुछ एक्स्ट्रा बोलते हो, ठीक है। तो आपके बटालियन में सब ठीक है, आज सुबह सुबह ना ऐसा ऐसा हो गया था, ठीक है। मतलब जो पूछ रहा है ना, आप वो ही आंसर करो। एक मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कहीं पे आपको डेप्यूट किया गया है, ठीक है, और उस रीजन में कुछ टेररिस्ट अटैक हुए होंगे, कुछ हुआ होगा, तो आप अपने जो भी कैडेट्स हैं उनके साथ गए, ठीक है। तो आपका सीनियर आपसे पूछता है कि जो टेररिस्ट थे वो कितने थे, ये क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे हमें ना, हमें सुबह सुबह ही पता चला कि ऐसे ऐसे वहां पे घुसपैठिया आ गए हैं, हमें सुबह सुबह पता चला, तो मैं अपने ना 4-5 ना जवानों के साथ गया। क्वेश्चन, वो इरिटेट हो रहा है, कितने थे टेररिस्ट, हमें ना इतने आर्मामेंट्स लेकर गए थे, टेररिस्ट कितने थे। प्रॉब्लम, इमेच्योरिटी, ठीक है। अब सपोज आपने आंसर भी कर दिया टेररिस्ट कितने थे, मगर फिर भी आप बोल रहे हैं हमने इतने आर्मामेंट्स लेकर गए थे, हम इतने जवानों के साथ गए थे। तो इसीलिए क्वेश्चन के डिमांड को समझो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का आंसर करो, ये आपका मैच्योरिटी दिखाता है, ठीक है। आपके बिहेवियर में कितना मैच्योरिटी है, क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या पूछ रहा है। बहुत दुख की बात है, जो टॉपर्स हैं या जो CAPF के पेपर टू के फैकल्टी है, वो बोलते हैं कि इतना स्पेस दिया रहता है, मैंने खुद वीडियोस देखे हैं, इतना स्पेस दिया रहता है, तो थोड़ा बढ़ा के लिखो, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखो। अगर एक्स्ट्रा ही लिखना है तो पैसेज देने की जरूरत ही क्या है। नहीं, एक्स्ट्रा कहीं पे भी नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ना एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, कहीं पे भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन जो पूछा है बस उसी का आंसर करो, एग्जामिनर को इरिटेट मत करो एक्स्ट्रा लिखकर, उसका आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। डू नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दैट इज इन नो वे आंसर टू द क्वेश्चन। यू शुड आंसर, योर आंसर शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। बिगिन योर आंसर बाय, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहला तो एक्स्ट्रा मत लिखो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ही लिखो। दूसरा है कि अपने आंसर को शुरू करो बाय कॉपिंग द क्वेश्चन लाइन, ये एक बहुत अच्छा तरीका है एकदम प्रिसाइज और टू द पॉइंट आंसर लिखने का।
क्योंकि स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन के लाइन से नहीं शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन से डेविएट होने की, राइट? तो जैसे ये, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो अगर आप मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी आंसर्स देखोगे, सब में मैंने ऑलमोस्ट 99% में मैंने क्वेश्चन के लाइन से ही शुरू किया अपना आंसर. द मेजर ड्रॉबैक इन आर एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशंस इज, ये वाला है. क्या मेजर ड्रॉबैक है? द मेजर ड्रॉबैक इन आर एजुकेशन सिस्टम इज, ऐसे शुरू करो. ये बहुत अच्छा मेथड है एकदम एक्यूरेट और टू द पॉइंट आंसर लिखने का, ठीक है? अब जैसे है, व्हाट हर्डल्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया? तो इसमें मैं, सिंस इसमें ना मैं क्वेश्चंस की लाइन से नहीं शुरू कर सकती हूँ, तो सपोज जो भी हर्डल किया, जैसे नैरो माइंडेड होना, तो नैरो माइंडेडनेस हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटालिटी? द यूनिकनेस ऑफ द इंडियन वाइटालिटी इज, व्हाई आर द मेन ऑफ स्वॉर्ड एंड देयर वर्क फॉरगॉटन? द मेन ऑफ स्वॉर्ड एंड देयर वर्क फॉरगॉटन बिकॉज, व्हाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन ऑलवेज रिमेम्बर्ड? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड बिकॉज, व्हाई का आंसर बिकॉज से होगा. व्हाट इज द वाइटल क्वेश्चन रेफर टू एट द एंड ऑफ द पैसेज? द वाइटल क्वेश्चन रेफर टू एट द एंड ऑफ द पैसेज इज, और वो क्वेश्चन लिखोगे तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करोगे. मैंने आप लोगों को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज बताया है, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? क्योंकि किसी का डायलॉग होता है, सेंटेंस होता है, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है. फिर व्हाट इज योर आंसर टू द क्वेश्चन? माय आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, ठीक है? तो फाइन, आई हैव स्टार्टेड माई आंसर बाय लिफ्टिंग द क्वेश्चन लाइन. दिस टेक्निक मेक्स आंसर प्रिसाइज एंड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिकिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अब जो एक्स्ट्रा लिखने वाला है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, स्टूडेंट्स का ही आंसर है मेरे पास जिन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है. ये है ना मेरे टेस्ट सीरीज का है. लिखा है, हु वॉज फर्डिनेंड मैगलन? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, लिखने की जरूरत नहीं थी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कोई क्वेश्चन में ही नहीं है, ठीक है? आप 1, 2, 3, 4 वर्ड्स क्या लिख रहे हो? फर्डिनेंड मैगलन वॉज बॉर्न इन इतना, ही वॉज अ पोर्तुगीज एंड सर्व द किंग ऑफ पोर्तुगल, ठीक है? लेटर ड्यू टू सम ही लॉस्ट हिज फेवर विच फोर्स्ड हिम टू शिफ्ट हिज टू स्पेन वेयर ही स्टार्टेड हिज मरीन ट्रेड. ये लिख सकते हैं, ये उसी का इंट्रोडक्शन है, मगर इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैगलन्स मरीन एक्सप्लोरेशन? मैंने क्या लिखा यहाँ पर? क्वेश्चन इज ऑन ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है? कि जो मरीन एक्सप्लोरेशन हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ये क्या लिख रहा है, मैगलिन एक आदमी का नाम है, ठीक है? अब ये इसके बारे में लिख रहा है कि मैगलिन को बहुत इंटरेस्ट था मरीन में, टेरिटोरियल एक्सप्लोरेशन में, वो है ना चार्ल्स फिफ्थ के स्पेन में ऐसे ऐसे किया था, ठीक है? उसका ड्यूरेशन जो था एक्सप्लोरेशन का, बहुत ह्यूमन लाइफ्स चले गए, फिर उसको फाइनली सक्सेस मिला. क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है. राइट वॉट इज आस्ड, डू नॉट राइट वॉट इज नॉट आस्ड, ठीक है? एकदम तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है या मैगलन का बायोग्राफी दे रहा है, तो क्या मतलब है? हाउ डिड मैगलन डाई? इतना सिंपल क्वेश्चन है. अब देखो क्या, मैगलन स्टार्टेड हिज एक्सपीडिशन इन व्यू ऑफ डिस्कवरिंग, क्यों? क्योंकि ज्यादा ज्यादा लिखना है ना, ये है दैट इट वॉज अंडर स्पेनिश अथॉरिटी. कहीं कैसे मरा ये बताओ ना. फिर देखिए यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ ब्रैकेट में भी दिया है, मैगलन गॉट इन्वॉल्व इन डीप कॉन्फ्लिक्ट इन फिलीपींस एंड लेटर लॉस्ट हिज लाइफ इन बैटल. ये है रहा आंसर. अब बताइए कितना इरिटेशन होगा एग्जामिनर को कि मैगलन कैसे मरा, अरे भाई आंसर ढूंढ रहा है, अरे यहाँ पर भी नहीं है, अरे यहाँ पे आंसर लिखा है.
मैंने एक दे दिया, वो नहीं देगा, आपने एग्जामिनर का टाइम वेस्ट किया है। ओके तो मत करो एग्जामिनर का टाइम वेस्ट। कैसे मरा है, आंसर दो, खत्म करो। एक लाइन का आंसर तो एक लाइन का आंसर दो। हाउ मेनी डेज डिड मैगलिन सेलर स्पेंड एट सी, हाउ मेनी डेज? अगर सपोज वो 15 दिन स्पेंड किया है तो लिख दो 15, मैगलिन सेलर स्पेंड 15 डेज एट सी, मगर पता नहीं क्या क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द मैगलन स्टार्टेड इज एक्सपीडिशन ऑन 20 सितंबर। पूछा है ये क्वेश्चन कि कब स्टार्ट किया था? नहीं पूछा है, मगर इसको लिखना है तो लिखो भाई। अब ये रहा आंसर, तो मैंने इसको सर्कल करके टिक मार्क किया। मैं ढूंढ रही हूँ आंसर, अब देखो बाकी क्या है, ये सब क्या लिखा है बताइए। ओके एक और दिखा देती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना इरिटेशन होता है जब एक्स्ट्रा लिखा जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। व्हाट वाज द एज ऑफ एसी भक्तिवेदांता श्रीला प्रभुपाद व्हेन ही लेफ्ट इंडिया फॉर यूएसए? ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। व्हाट वाज द एज, एज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने आंसर कर दिया, वो 70 इयर्स ओल्ड व्हेन ही लेफ्ट इंडिया फॉर यूएसए, ये आंसर है, ठीक है। ठीक है तो इसमें इसको मार्क्स मिलेंगे। व्हाट वाज हिज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टेकिंग सच एन आर्डवर्स जर्नी? द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टेकिंग सच आर्डवर्स जर्नी वॉज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ भगवद गीता टू द वेस्ट। खत्म। इस यहां तक लिखता ना इसको पूरा 4 मिलता, मगर अब इसने क्या लिखा? When he was not in a good health, there was no email, no mobile phone, yet he wrote itna letters to devotees worldwide to speed the Krishna con spread Krishna con throughout the English speaking world. अरे क्यों 1 मिला है? क्योंकि उसने मुझे इरिटेट किया, मेरा टाइम वेस्ट किया। एग्जामिनर भी ऐसे ही करेगा। यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। नेम द ऑर्गेनाइजेशन। अरे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है भाई, कौन है नाम। अब मगर अब देखो पूरा बायोग्राफी लिखना शुरू कर दिया, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट कर रहा है। चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस ही फेस्ड? द चैलेंजेस ही फेस्ड टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड वर, और फिर जो भी है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। सिंप्लीफाई द आंसर एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। Why can't you start your answer with the question line? ठीक है, according to Sajjan, name the famous person who visited ISKCON temple every week. तो Steve Jobs said in an interview that he used to walk 7 miles every week to visit ISKCON temple. तो मैंने लिखा question line से शुरू करो। तो according to the passage, Steve Jobs was the famous person who visited ISKCON temple every week. खत्म। मगर ये वाला लाइन इसने एज इट इज पैसेज से उतार लिया। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाई कर दो, ठीक है। अब फिर जो भी है, एनीवेज नॉट आंसर टू द क्वेश्चन, यानी इसने बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख के काम अपना खत्म कर दिया और बोला भाई आप पढ़ो। अब वैसे ही ऐसे में करते हैं, ठीक है। हमने तो पूरा लिख डाला है और अब बस आपका काम है इसको पढ़ना। ऐसे नहीं मिलता है मार्क्स। आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड द क्वेश्चन। ऑल्दो यू मे नो अबाउट द सब्जेक्ट बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज, बट योर आंसर मस्ट नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर प्रायर नॉलेज, बट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज और गिवन बाय द राइटर। देखिए कोई कोई ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में आपको बहुत नॉलेज हो, मगर जो नॉलेज है आपको, आप उसको एकदम अपने साइड में रखोगे, उसको सेंटर में नहीं लेकर आओगे, उसको अपने आंसर में भी नहीं लेकर आओगे। वही बात प्रेसी में भी होती है, ठीक है। अपना व्यू पॉइंट, अपना इमेजिनेशन, अपना प्रेजुडिस अपने पास रखो। जो राइटर बोल रहा है ध्यान रखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में जो राइटर बोल रहा है वो एकदम सही है, चाहे आप उसकी बात पे अग्री करो या ना करो, वो सही बोल रहा है और आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका ओपिनियन डिमांड करते हैं,
ठीक है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपका ओपिनियन डिमांड करते हैं, मगर ऐसे ऐसे आंसर में भी ट्राई टू रेजोनेट योर ओपिनियन विद दैट ऑफ राइटर। ऐसे में भी आप राइटर के प्रति सहमति रखें, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, एक पैसेज था जो आपको अपने इस चैप्टर में मिलेगा। स्लॉटर हाउस जो होते हैं, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है ना, तो स्लॉटर हाउस में स्लॉटर हाउस का ग्लास वॉल होना चाहिए ताकि आर पार नजर आए। तो वो पैसेज पूरा उसी के बारे में था, ठीक है। तो वो पैसेज में था कि स्लॉटर हाउस के चारों तरफ ग्लास वॉल होना चाहिए ताकि सबको दिखे कि एनिमल कितने सफरिंग से गुजर रहे हैं, ताकि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके अंदर थोड़ा दया आए, करुणा आए, ताकि वो नॉन वेज खाना छोड़ दें, ठीक है। ये था। अब क्वेश्चन था कि डू यू अग्री विद द राइटर दैट स्लॉटर हाउसेस शुड हैव ग्लास वॉल्स। नहीं, ये नहीं क्वेश्चन था। क्वेश्चन था डू यू अग्री दैट पीपल शुड नॉट ईट नॉन वेज। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, आपको दिख जाएगा ये पैसेज। तो एक मेरा स्टूडेंट था, अच्छा ही स्टूडेंट था, यूपी का था और बहुत अच्छा लिखता भी था। वो नॉन वेजिटेरियन था, वो मुझे उसका आंसर देखकर पता चल गया। उसने लिखा कि नो, पीपल शुड कंटिन्यू ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, अदरवाइज द एनिमल पॉपुलेशन विल राइज। कुछ इस तरह से आंसर लिखा था। उसको 0 मिले। चाहे हम वेजिटेरियन हो, हम नॉन वेजिटेरियन हो, राइटर बोल रहा है कि नहीं, हमें वेजिटेरियन ही होना चाहिए। तो आपको उसकी बात पे आपको अग्री करना पड़ेगा, अपने आंसर में भी यही दिखाना पड़ेगा, यस आई डू अग्री। ये चीज प्लीज ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट। मैम, बोलिए। ओपिनियन का मतलब क्या रह जाएगा फिर मैम? देखिए, मैं ये आपकी बात समझ रही हूँ, मगर आपको अपना ओपिनियन राइटर के अगेंस्ट या पैसेज के अगेंस्ट नहीं देना है, ठीक है। और जैसे एक पैसेज मैंने और पढ़ा था, जिसमें विभीषण को, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, विभीषण वाला अलग पैसेज था, जवाहरलाल नेहरू को नेगेटिव फ्रेम में रखा गया था, ठीक है। ये बैंक वाला पैसेज था, बैंकिंग एग्जाम में आया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू को नेगेटिव फ्रेम में रखा था, तो जब उसका ऑप्शंस आया था, ऑप्शंस उसमें तो खैर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको चाहे ना अग्री कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, वरना मुश्किल हो जाएगी, मार्क्स नहीं मिलते हैं, ओके। एक क्वेश्चन था 2015 में या 17 में आया था, ब्लैक मनी में। ब्लैक मनी, उस पर भी आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है, उसमें भी आप पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करोगे, राइटर के अकॉर्डिंग, राइटर के अगेंस्ट मत जाना। फाइन, अच्छा। केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब मैंने बोला आंसर आपको एक्यूरेट लिखना है, तो क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसका एक एक वर्ड पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन समटाइम्स डिमांड मोर देन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम देम। क्वेश्चंस में कभी कुछ ज्यादा डिमांड करता है, मगर हम बहुत अच्छे समझ नहीं पाते हैं, और हम मतलब एक्यूरेट आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना, और छोटा सा लिख के आ जाते हैं। जैसे समटाइम्स अ सिंगल लाइन क्वेश्चन मे डिमांड टू सेपरेट आंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। हाँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द इंटरनल असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट रेस्पेक्टिवली। तो ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है, व्हाट से शुरू हो रहा है, रिस्पेक्टिवली में खत्म हो रहा है, तो इसमें मगर इसका दो सेपरेट आंसर्स होगा। कोई बता सकता है कौन कौन सा सेपरेट आंसर्स होंगे? बोलिए। यस मैम, यहाँ पे एडवांटेजेस भी पूछे हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे हैं। कहाँ ऑब्जेक्टिव्स लिखा है बताइए, ये अच्छे से पढ़ो। व्हाट आर द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन इंटरनल असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट रेस्पेक्टिवली।
मोहित। इसमें एडवांटेजेस पूछे हैं इंटरनल असेसमेंट के और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के। हाँ, यानी आपको एडवांटेजेस बताना, म्यूट कर लेना। इंटरनल असेसमेंट का अलग से एडवांटेजेस बताना है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का आपको अलग एडवांटेजेस बताना है। दो सेपरेट आंसर्स, और ये सब ट्रिक्स होते हैं। अब पता है स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, मैंने कई बार देखा है। द एडवांटेजेस रिकग्नाइज इन इंटरनल असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर, नो, ये अलग और ये अलग। तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो दिस इज क्लियरली डिमांडिंग टू आंसर्स, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। द आंसर देयरफॉर मस्ट नॉट बी मर्ज्ड, उसको मर्ज मत करना। दे शुड बी रिटन सेपरेटली, प्रेफरेबली इन टू पैराग्राफ्स। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, वॉट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट द पावर ऑफ स्टेट इज अब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब ये वाला जो है, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। हाँ, पीयूष मुझे बताइए, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट द पावर ऑफ स्टेट इज अब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। बता सकते हैं इसमें कौन से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं? रौनक, मैम इसमें जो है ना स्टेट अपसलेट कैसे है ये पूछा गया, और जो ये रेस्ट्रिक्टेड कैसे है ये पूछा गया मैम। हाँ, स्टेट अब्सोल्यूट कैसे है, रेस्ट्रिक्ट कैसे। तो आपको ना क्वेश्चंस कभी कभी इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आप लोगों को देखना है। और सबसे पहले आप बताओगे जो स्टेट अब्सोल्यूट कैसे है, दूसरा पैराग्राफ में रेस्ट्रिक्टेड कैसे है। ठीक है, और एक और चीज आप लोगों को ध्यान देनी है क्वेश्चन में, सिंगुलर एंड प्लूरल का। ठीक है, सिंगुलर एकवचन, प्लूरल बहुवचन। जैसे 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, एस लगा है, तो आपको यानी एक से ज्यादा इम्प्लीकेशंस बताने हैं, एक ही नहीं, एक से ज्यादा, ये चीज भी ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज है लेंथ ऑफ द आंसर, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट कहता है कि मैम है ना, ज्यादा आंसर, ज्यादा लंबा आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का है। तो मैंने उससे पूछा कि सभी क्वेश्चन में 4 मार्क्स वेटेज है क्या? तो उसने कहा हाँ मैम। तो फिर सभी का क्वेश्चन का आंसर का लेंथ सेम होना चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर 4 मार्क्स का है। तो बोलते नहीं मैम, ऐसा नहीं है। तो जो लॉजिक वो दे रहा है, वो ही लॉजिक पे मैं आगे बढ़ रही हूँ कि 4 मार्क्स का है तो लंबा आंसर होना चाहिए। तो 5ों क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो 5ों क्वेश्चन के आंसर्स के लेंथ सेम होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स के हैं
आपको सिंपल सा एक ही चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का जवाब दो। अगर क्वेश्चन वन लाइन आंसर डिमांड करता है तो वन लाइन आंसर लिखो। अब हु इज द गुरु ऑफ गांधी जी, ये क्वेश्चन था, हु आर द मास्टर्स ऑफ गांधी जी एक और क्वेश्चन था, ये सब प्रीवियस ईयर में आया है, तो क्या लिखे अब? एक एक मास्टर का हम बायोग्राफी लिखना शुरू कर दे, वो 4 मार्क्स का है। नहीं, इमेच्योरिटी मत दिखाओ। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है एक बच्चे का, है ना? तो आपको एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर लिखना है। अब एक और मिसकंसेप्शन है प्रेसी में भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, कि अपने खुद से लाइंस मतलब खुद से सेंटेंस फ्रेम करके लिखना चाहिए। तो अगर जब आपको ये बुक मिलेगी तो आप देखना, मैंने जितने भी आंसर्स लिखे हैं ना, मैच्योर्ड आंसर है, करेक्ट आंसर्स हैं, एक्यूरेट आंसर है, मगर वो पैसेज से मैंने उठाए हैं वो लाइंस, और आपको पता भी नहीं चलेगा। पैसेज से लाइंस उठाने का मतलब क्या? अभी मैंने आप लोगों को एक दिया था स्टीव जॉब्स का, कि कौन सा ऐसा फेमस पर्सन है जो स्कॉन टेम्पल हमेशा विजिट करता था। हु वॉज अ फेमस पर्सन हु यूज टू विजिट स्कॉन टेम्पल एवरी वीक? तो उस बच्चे ने पूरा का पूरा लाइंस उठा दिया था पैसेज का, कि स्टीव जॉब वॉज दिस पर्सन, ऐसे नहीं। हु वॉज अ फेमस पर्सन? स्टीव जॉब वॉज अ फेमस पर्सन हु यूज टू विजिट। तो क्वेश्चन लाइन से अगर हम शुरू करेंगे ना, तो पैसेज वाला लाइन हम बहुत अच्छे से कॉपी नहीं कर पाएंगे, और फिर वो सही हो जाता है, फिर आंसर लगता भी नहीं है कि पैसेज के लाइन से कॉपी किया है। ठीक है, तो लिखा है मैंने, लाइंस कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम द पैसेज फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, बट डू नॉट यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और डेकोरेटिव वर्ड्स ऑफ द पैसेज, सिंप्लीफाई द कॉपीड सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। जैसे मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे दूंगी, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। एक सीएपीएफ में 2015 में क्वेश्चन आया था, पैसेज आया था लैंग्वेज वाला। ठीक है, तो उसका मैं आप लोगों को बता दी, जब तक वो फाइल खुल रही है। एक और चीज, कंप्लीट सेंटेंस आंसर है ना, एकदम कंप्लीट सेंटेंस में लिखना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये क्वेश्चन आया था 2019 में। द बेनिफिट्स ऑफ योगा आर, ठीक है, इम्प्रूव द मसल्स, ऐसे नहीं लिखोगे। आर बेनिफिट्स ऑफ योगा आर एज फॉलोस, इट इम्प्रूव द मसल्स, इट स्ट्रेंथन्स द बोन्स, ऐसे करके लिखोगे। कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखोगे ना, मार्क भी शॉर्ट शॉर्ट ही मिलेगा। ठीक है, द आंसर मस्ट बी रिटन इन अ कंप्लीट सेंटेंस, डू नॉट लीव एनी सेंटेंस एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट, इवन इफ यू आर राइटिंग द आंसर पॉइंट वाइज, ऑल द पॉइंट्स मस्ट हैव कंप्लीट सेंटेंसेस। यूसेज ऑफ प्रोनाउन, नेवर यूज द प्रोनाउन आई एंड इन योर आंसर्स। देखिए, आई और यू प्रोनाउन आपके पूरे पेपर 2 में नहीं होना चाहिए। ये मेंशन आई का कोई भी फॉर्म, आई मी माई माइन माई सेल्फ, यू योर योर्स योरसेल्फ, कोई भी फॉर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका ओपिनियन पूछ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, माय ओपिनियन है, सब आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं पे भी मेंशन नहीं करोगे। अब मैंने देखा है स्टूडेंट्स मेंशन कर देते हैं, गलती से करते हैं, मगर आई करोगे इसका मतलब आप पूरे, आप कहाँ से आप आ गए हो आंसर में? यू मेंशन करोगे तो एग्जामिनर आ गया आंसर में, कहाँ से आया वो, है ना? आप लोग दोनों का कोई रोल नहीं है आंसर में। तो फिर इसीलिए आई एंड यू बिल्कुल नहीं यूज करना है। ग्रामर, आंसर शुड बी फ्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस एंड एनी सॉर्ट ऑफ स्लैंग। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वही ईटीसी, विज, मैंने लिखा है गवर्नमेंट बहुत यूज करते हैं। ठीक है, मार्क्स भी ऐसे ही है ना, आपका कॉन्ट्रैक्शन में ही मिलेगा। फिर आर स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूव्ड इन एनी आंसर, कीप ग्रामेटिकल एरर्स टू मिनिमम, हो जाते हैं ग्रामेटिकल एरर्स मगर मिनिमम ही रखो। डू नॉट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप एंड कॉमा वेयर रिक्वायर्ड, कैपिटल लेटर मिस्टेक मस्ट बी अवॉइडेड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, कीप योर सेंटेंस शॉर्ट, ये सब चीजें मैं बार बार बोल रही हूँ। लॉन्ग सेंटेंस मेक द मीनिंग वेग, समटाइम्स रेंडर देम मीनिंगलेस। 20 मिनट में आपको ये रीडिंग कॉम्पिटिशन आपको खत्म करना है। ठीक है, अब मैं कि किस तरह से आप लोगों को
एक चीज मैं आप लोगों को पैसेज दिखा रही हूँ, 2015 का है, ठीक है, शेयर कर रही हूँ मैं। ये पैसेज है भाई, इसका मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, सारे पैसेज के आपको आंसर्स लिखने ही है। ये क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट हैपेंस व्हेन द क्वेश्चन ऑफ रीडिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रॉप्स अप फॉर कंसिडरेशन। ये क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ। अब मैं इसका आंसर आपको मिलेगा, देख रही हूँ। अब देखिए, सो व्हेन द क्वेश्चन ऑफ रीडिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स कम्स अप फॉर कंसिडरेशन, दिखा ये वाला, फाइन। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ रीडिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स कम्स अप फॉर कंसिडरेशन, सेम है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, व्हेन द क्वेश्चन ऑफ रीडिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स कम्स फॉर कंसिडरेशन, वन फाइंड्स, तो आपको यही आंसर लिखना है, वन फाइंड्स द वर्स्ट टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द बॉर्डर एरियाज वेयर ईच ऑफ द टू और मोर लैंग्वेजेस ग्रुप्स एजिटेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ एरियाज ऑफ इट्स डोमिसाइल इन द स्टेट वेयर इट्स ओन मदर टंग वुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज। ये है इसका आंसर। अब कोई कोई स्टूडेंट, कोई कोई नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको एज इट इज कॉपी करके लिख देते हैं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। मगर थोड़ा सा अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है, तो मैं अगर इसको मॉडिफाई करती हूँ, मैं लिखूंगी, व्हेन द क्वेश्चन ऑफ रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स कम्स अप फॉर कंसिडरेशन, वन फाइंड्स टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्ड्स हटा दूंगी, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द बॉर्डर, या कॉन्फ्लिक्ट्स हटा के टेंशंस कर दो, टेंशंस हटाओ वर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स कर दो, इन द बॉर्डर एरिया वेयर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, ठीक है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ईच ऑफ टू और मोर, ये हटा दूंगी मैं, वे लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक कर दिया, और लिंग्विस्टिक ये वर्ड बहुत बार यूज किया गया है यहाँ पर, देख रही है रहा लिंग्विस्टिक है ना, तो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी कम्युनिटीज एजिटेट्स, ठीक है, एजिटेट्स ना लिख के स्ट्रगल लिख दो, स्ट्रगल फॉर देयर ओन लैंग्वेज, स्ट्रगल फॉर इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज इन द स्टेट, ओन लैंग्वेज या ओन मदर टंग इन द स्टेट फ्रॉम वेयर इट बिलोंग्स, फ्रॉम वेयर दे बिलोंग, बस ऐसे करके लिख दो, या इंक्लूजन ऑफ देयर मदर टंग एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सारा हटा दो, इंक्लूजन ऑफ देयर मदर टंग एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, खत्म। तो ये इस तरह से थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो इससे सही रहेगा आपका आंसर, फाइन। ठीक है, ओके, अब मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं, अब आपको क्या करना है कि मैं आपको पैसेज दे रही हूँ, अभी टेलीग्राम में मैं पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है, और हमारे पास काफी टाइम है, 10:30 बज रहे हैं, आप उसको कहाँ गया राइटिंग सेक्शन, आप उसको आराम से इसका आंसर लिखोगे और अभी फीडबैक ग्रुप में पोस्ट करोगे, और मैं आपको 12 बजे तक, देखिए पहला क्वेश्चन, पहला कौन सा पैसेज आपको करना है, ये वाला, मिल्क इज द बेस्ट फूड इट हैज इन इट, सब कोई देख ले एक बार, मैं स्क्रीन में दिखा देती हूँ, बेटर रहेगा।
ये आपको इजी पैसेज दिख रहा है ना, पहला पैसेज, तो आप इसको सॉल्व करके और आप उसको पीडीएफ, अगर पीडीएफ में भेजोगे तभी मैं एवेल्युएट कर पाऊंगी, पीडीएफ में आप इसको मर्ज करके अपना नाम भी लिखोगे और मुझे सेंड करोगे, मैं इसको इवेलुएट करके दे दूंगी। जब मैं इवेलुएट करके दे दूंगी, जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद आप फिर सेकेंड पैसेज का आंसर करोगे, फाइन, वो भी आज ही हो जाएगा, और फिर कल के लिए हम थर्ड और फोर्थ ले लेंगे, फाइन। तो मैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से मुझे और कुछ बात करनी नहीं है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम वो नेम आंसर शीट पे लिखना जैसे आप, एक मिनट, जैसे जब आप आंसर लिखोगे उसके बाद आप फोटो खींचोगे, फोटो खींचोगे तो वो इमेज फॉर्म में होगा, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे पीडीएफ में, और जब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसको लेबल, उसके आता है ना कि फाइल नेम क्या होगा, तो फाइल नेम में आप अपना नाम लिखोगे, और हाँ जब आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर उस पेज पे भी अपना नाम लिख लेना, दोनों तरफ मार्जिन खींचना जरूरी है, ये सब चीज हम बात कर चुके हैं, फाइन। मैंने वैसे सारा ही बता दिया है, मैं वही देख रही हूँ, कुछ मैंने छोड़ा तो नहीं है ना। ठीक है, इजी है, ठीक है, कोई और क्वेश्चन? मैम एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि ये जो एसे है वो भी नोट करना है या सिर्फ पेंसा नोट करना है। देखो एक सेकेंड, इसका आंसर बताओ पहले, आप लोग कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको पैसेज नहीं लिखना है, यू जस्ट गो थ्रू द पैसेज, देन यू राइट द क्वेश्चन बिलो विच राइट द आंसर, फाइन। क्वेश्चन लिखोगे क्वेश्चन वन, फिर आंसर, फिर गैप छोड़ो क्वेश्चन टू आंसर, गैप छोड़ो क्वेश्चन थ्री आंसर, ओके। अनु ओके क्या पूछ रहे हो? यस मैम। मैम अगर किसी पैसेज में राइटर का ओपिनियन बिल्कुल ही नेगेटिव है, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पता है कि वो चीज़ गलत है, तो मैम हम राइटर के साथ अगर जाएंगे तो हमारी ऑफिसर लाइक क्वालिटी तो वहां पे शो नहीं होगी ना, बिकॉज एज पर हमें वो चीज़ पता है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो मैम वहां पे भी राइटर के साथ ही जाएंगे हम। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी तक फिलहाल मुझे जितने पैसेजेस दिखे हैं, ठीक है, उसमें राइटर सही बोल रहा है, फाइन, अभी तक में, ठीक है, मगर आपको लगता है कि एकदम इनह्यूमन वाली बात हो रही है या टोटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी वो बात कर रहा है, टोटली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है, फाइन, यस मैम। तब तो आपको एक स्टैंड लेना होगा। मगर अब जैसे स्लॉटर हाउस वाला है, ब्लैक मनी वाला है, जिसमें आपका ओपिनियन पूछा है, जिसमें राइटर बोल रहा है कि ब्लैक मनी जो एक्युमुलेट किया जा रहा है वो मतलब सॉरी ब्लैक मनी नहीं, टैक्स जो है वो हम क्यों अवॉइड करते देना, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है, तो राइटर बोलता है ऐसा नहीं है कि टैक्स बहुत ज्यादा इसलिए अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो ये सही बात है, तो हम राइटर के साथ हैं, ओके। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? यस मैम। मैम आपने बोला था कि वो राइट द बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो उसके कंप्लीट सेंटेंस लिखना है वो एक बार बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो दिखाई देती हूँ, ट्वेंटी नाइनटीन में पूछा गया था ये, ये रहा, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये थर्ड क्वेश्चन। तो जो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा है ना, वो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये रहा, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा आर इमेंस फॉर आवर फिजिकल बॉडी,
दिस ग्रेजुअली, ये पूरा का पूरा ये पैराग्राफ है ना सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बता रहा है। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखते हैं, कोई कोई स्टूडेंट्स इतने आलसी होते हैं कि बस दो तीन लिख के छोड़ देते हैं, जबकि इसके 7-8 बेनिफिट्स हैं। तीन चार लिख के छोड़ देते हैं कि ये गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, इसको पैरावाइज लिखने की कोशिश करते हैं, जो मैंने भी पैरावाइज ही लिखा है, ठीक है, मगर मैंने पैरावाइज में भी सही तरीके से लिखा है। आप लोग अगर उस तरह से लिख सकते हो ठीक है, मगर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पॉइंट वाइज लिखना। द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा आर एज फॉलोज, ठीक है, योगा, फिर उसके बाद योगा मतलब इट हो गया, इट लूजन्स अप आर टाइट हैमस्ट्रिंग्स हिप्स एंड मेक्स देम फ्लेक्सिबल इनफ, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, इट से लिखो, दिस नहीं, इट इम्प्रूव्स आर पोस्चर्स एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम इश्यूज ऑफ अलाइनमेंट एंड पेन इन लेग्स बैक्स एंड अदर पार्ट, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट, इट इज, ये रिलायब एंड चीपेस्ट मत लिखो, इट स्ट्रेंथ, ये सब सारा हटा दो, ठीक है, क्योंकि पूछा नहीं रहा बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स पूछ रहा है ना, तो चीप और रिलायबल लिखने की क्या जरूरत है। इट स्ट्रेंथेंस आर मसल्स एंड बोन्स व्हिच एवर्स चांसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंजरीज, अर्थराइटिस, नेक पेन, फुल स्टॉप, एक्सेट्रा मत लिखना, वो पैसेज में लिखा है तो मुझे भी लिखना है, ऐसा नहीं। दिस हटाओ, इट सपोर्ट्स आर जॉइंट्स बाय मेंटेनिंग कार्टिलेज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इट फेस टिंकर, इट ये वर्ब है, इट फेड्स अवे फेस रिंकल्स एंड मेक्स अस, ये रेगुलर प्रैक्टिस हटा रही हूँ, ठीक है, इतना मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, एंड मेक्स अस मोर यंग एंड अट्रैक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट, योगा हेल्प्स आर बॉडी टू रिमेन इन शेप, खत्म, ऐसे लिखना मैम, है। ये जो आपने सीक्वेंस वाइज बताया, बट अभी बेनिफिट्स पूछे तो उसकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं क्या? देखो सीक्वेंस चेंज करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम है, भूल जाओगे तो ये लिखा है ये भूल गया, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा यहाँ पर भी कुछ बेनिफिट्स है, मैंने बोला ना आंसर स्कैटर्ड रहते हैं, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कहाँ गया, ये तो योगा का आसन है। इट लेंथेंस एंड स्ट्रेंथेंस स्पाइन, योगा इम्प्रूव्स बॉडीज ब्लड सर्कुलेशन विच फर्दर असिस्ट इन नॉर्मलाइजिंग ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, फिर इट कॉल का, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल, इट रिड्यूसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस को, मैंने इट से शुरू करूंगी ना मैं योगा से, योगा रिड्यूसेस द स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड इतना, फिर गुड हार्मोन्स नेमली इतना देन फ्लो इन अबंडेंस, हाँ फिर ये इसको इसी के साथ ऐड करूंगी, विच आर एसेंशियल टू अब्सॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स, ये फाइन, ऐसे पता है एकदम इसी तरह से लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीथिंग एल्स? मैम, मोस्टली फिफ्थ क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लेते कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, तो उसको कैसे अप्रोच करना? ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा 2015 में, वो डिफिकल्ट थोड़ा होता है, वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। हम मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे एलडीसी का जो पेपर आता है ना, उसमें है ये। यहाँ पर भी है, और जो ब्लैक मनी वाला क्वेश्चन है ना उसमें भी है और इसमें भी है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर स्टेटमेंट ही डिफिकल्ट है तो, दिख रहा है वाला। सो अंटिल देयर इज अ लिंक लैंग्वेज एंड इट इज नोन थ्रू आउट द कंट्री एंड इफेक्टिव कल्चर, इट इज नॉट पॉसिबल, एलिसिटेट, एक्सप्लेन करो इसको, ठीक है। अब ऐसे में आप लोगों को मतलब पूरा ये पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, दिस स्टेटमेंट मीन्स ऐसे करके लिखोगे। अब ये जो स्टेटमेंट जहां से लिया गया है, अब स्टूडेंट उसी के चारों तरफ गोल गोल घूमकर कुछ ना कुछ लिख देते हैं जो कि गलत है। ये कहाँ से लिया गया है, सो फार आई रिमेम्बर, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, उसी के आसपास घूम के ये वाला, सो अंटिल देयर इज अ लिंक लैंग्वेज इट एंड इट इज नोन थ्रू आउट द कंट्री एंड इफेक्टिव कल्चर यूनिट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो बहुत कुछ लिखते हैं। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का बता देती हूँ,
कि लिंक लैंग्वेज होने से क्या होता है, बोल रहा है कि यूनिटी होगा। कौन सा यूनिटी होगा? कल्चरल यूनिटी। क्यों होगा? लिंक लैंग्वेज होगा तो पीपल विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इरिस्पेक्टिव ऑफ विच स्टेट दे बिलोंग, कि अब वो नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के, आंध्र प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो आपस में कम्युनिकेट करने से क्या होगा? कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होगा, और एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे के कल्चर को समझ पाएंगे, तभी कल्चर यूनिटी पॉसिबल होगा। बेसिकली ये है। तो ऐसे मतलब कि वो तो डिपेंड करता है ना कि पैसेज कैसा है। तो पूरा स्टेटमेंट मत लिखो, दिस स्टेटमेंट मींस, और इस तरह से आपको लिखना चाहिए। और जब हम लोग प्रीवियस ईयर का शुरू करेंगे तब तक आप लोगों के पास बुक आ जाएगी। बहुत ईमानदारी से आंसर्स को नहीं देखना है कि क्या आंसर लिखा है। आप लोग बिना रीडिंग कॉम्प्रिट, जो बुक है राइटिंग सेक्शन की, उसके सारे प्रीवियस ईयर रीडिंग कॉम्प्रिटिशन के आंसर्स हैं, मगर उसको मत देखना स्टूडेंट्स, क्योंकि आंसर्स देखने से क्या होगा, आप सीखोगे थोड़ी कि कैसे लिखा जाता है ना। हॉर्स राइडिंग के बुक पढ़ने से क्या होता है? जब तक घोड़े पर खुद सवार नहीं होगे तब तक हॉर्स राइडिंग नहीं सीख सकते हो। यूट्यूब में वॉच कर लो, इसकी किताबें पढ़ लो, ठीक है? इसीलिए आंसर देखने से कुछ नहीं होने वाला है, और इसीलिए आप लोग खुद आंसर लिखो, गलतियां करो। ये पूरा 4 महीने आपको पूरी फ्रीडम है गलतियां करने की, अच्छे से गलतियां करो और उस गलतियों से सीखो, और फिर वो गलतियां एग्जाम में भी होगी मगर कम होगी, है ना? तो अगर आप लोग देख कर लिखोगे तो फिर गलतियां नहीं होंगी, अगर गलतियां नहीं होंगी तो फिर मेरे पास मौका नहीं रहेगा आपकी गलतियों को सुधारने का, और एग्जाम में आपको मौका नहीं मिलेगा कहीं से भी देखने का, ठीक है? और मुझे, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो देख कर लिखते हैं। मेरे जो बुक है ना, बुक से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आंसर और प्रेसी पता है मुझे। टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च किया था लास्ट टू लास्ट ईयर, तो उसमें मैं आंसर्स भी देती हूँ, तो आंसर्स फ्री में प्रोवाइडेड रहते हैं, ठीक है? तो आंसर कोई भी डाउनलोड कर ले अपना। तो एक स्टूडेंट है, मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ मेरा ही लिखा हुआ आंसर मुझे ही दे रहा है इवैल्यूएट करने के लिए। मैं बेवकूफ हूँ? मैं अपने ही लिखे हुए आंसर को मैं इवैल्यूएट करूंगी, अपना टाइम वेस्ट करूंगी? और उस बच्चे को ये नहीं पता चल रहा है कि मैंने, तो ठीक है सपोज मुझे पता नहीं चला तुम मेरे आंसर लिख रहे हो, मगर अगर मैंने उसकी तारीफ भी कर दी, चलो नहीं पता है, मैंने उसका अप्रिशिएट भी कर दिया, मगर उस क्या फायदा मेरा अप्रिशिएट करने से? दुनिया करेगी ना अगर एसी बन जाओगे, मगर एसी इस तरह से तो नहीं बनोगे ना कॉपी करके, ठीक है? तो इससे स्टूडेंट्स बुक रहेगी आपके पास, मगर मत आंसर देखना, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, और पता भी चल जाता है कि ये कॉपी किया हुआ, पैसेज से कॉपी किया वो भी पता चल जाएगा, मेरे आंसर कॉपी किया वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने पैसेज बहुत बहुत बार पढ़े हुए, पता चल जाता है, ठीक है? इसीलिए ना ये सब काम मत करना है ना। ओके, और कुछ? हेलो मैम, मैम जब कभी कोई क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो स्कैटर हो, मतलब कई पैराग्राफ के अंदर हो, जैसे अभी जो बेनिफिट ऑफ योगा में दिया हुआ है, लेकिन जैसे इसका जो आंसर है मतलब जो फोर्थ पैरा लास्ट पैराग्राफ में भी है, और मैम इसका फर्स्ट पैराग्राफ में भी आंसर है थोड़ा। फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर एक बार देखने हाँ दो। मैम, जैसे वेट मैनेजमेंट, थिंक जस्ट मिनट एक सेकेंड। मैम, लाइक रिड्यूस द रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, वेट मैनेजमेंट, रिजॉल्विंग साइक्लोन, हाँ, अब सुनो मेरी, स्ट्रेंथन, यस मैम। देखो रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस जो है वो आपका लास्ट पैरा में दिया हुआ है, कहाँ गया स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है? फिर वेट मैनेजमेंट है, इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम आपका यहाँ पे दिया है, तो ना डू नॉट रिपीट, कहाँ पे इम्यून सिस्टम, कहीं पे लिखा हुआ है इम्यून सिस्टम के बारे में? हैमस्ट्रिंग मेक्स फ्लेक्सिबल, पोस्चर इश्यूज ऑफ अलाइनमेंट, योगा इज रिलायबल, स्ट्रेंथन मसल, द चांस ऑफ कॉन्टिन्यूस कार्टिलेज, फेस रिंकल, ब्लेसिंग टू लेंथन, इम्प्रूव बॉडी विच वजह।
नॉर्मलाइजिंग इम्यून सिस्टम नहीं दिया हुआ है, या इम्यून सिस्टम नहीं दिया। और ये साइकोसोमैटिक मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, साइको का तो मतलब पता है, सोमैटिक ठीक है। ये वाला वेट मैनेजमेंट, वेट रिड्यूसेस वेट का तो कहीं पर है, होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो इसमें आंसर स्कैटर्ड है, आप लिख सकते लेकिन हो। मैम कभी कभार क्या होता है मैम, जब लिखते समय कुछ पॉइंट रह भी जाते हैं, लाइक इसमें काफ़ी स्कैटर है, इसमें कभी कुछ पॉइंट रह भी गए, जो नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखो रहेंगे तो फिर इफेक्ट तो पड़ेगा ना। अब कोई कोई स्टूडेंट इतने आलसी है 3 पॉइंट्स लिख के छोड़ देते हैं, उसमें तो क्या मार्क्स मिलेगा। मगर अगर आप 7 8 पॉइंट्स लिखते हो ठीक है, वैसे देखो अगर पूरा का पूरा लिखते हैं तब तो अच्छा है ना। अगर कहीं पे कुछ मिस हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम है, मगर इतना नहीं कटेगा, हाफ मार्क हो सकता है ले ले एग्जामिनर। मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो भी रिलेटेड है सर। मैम इसमें जो क्वेश्चन आया है 2012 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, लाइक एक्सप्लेन द 2012 टर्म ग्रेव क्राइम, ग्रेवर क्राइम एंड म्यूचुअल न्यूट्रलिटी। इट्स का मतलब मैम है कि जो हमें इसको एक्सप्लेन करना है वो ओनली जो पैसेज पैसेज में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमको एक्सप्लेन करना है इनको, जो इसमें टर्म दिए हुए हैं। 2012 ये जो क्वेश्चन है ना, ग्रेव क्राइम, ट्वेल्व में जो ग्रेवर मैम दिया, क्राइम, तो ये इस पे स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं ठीक है। और ये कहीं पर देखिए क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द टर्म ग्रेवर क्राइम यूज इन द सेकंड पैराग्राफ। देखिए ग्रेवर लिखा है, ग्रेव नहीं लिखा है ठीक है। तो ये कहाँ पर है, इसमें क्या गलती करते हैं। देखो भाई दिख रहा है तो बताओ मुझे। देखो ग्रेवर क्राइम कहाँ पर है, देखो द राइट पैराग्राफ में है। कंसीडर द ग्रेवर क्राइम, मैम नीचे ही है। थर्ड पैराग्राफ, 1 2 मैम थोड़ा ऊपर जाओ। यहाँ पर है। मैम नहीं मैम ऊपर है, ये 7th पेज पे है, ऑन द होल मैम यहाँ पे ये ठीक ये है। पैराग्राफ अब में सुनो देखो, द स्टेट पनिशेस विद इम्पार्शियल रिगर बोथ दोज हु किल देयर कंपैट्रियट्स और दोज हु रिफ्यूज टू किल फॉरनर्स। ऑन द होल द लैटर इज कंसिडर्ड द ग्रेवर क्राइम, द लैटर इज कंसिडर्ड। तो दो चीज है, द स्टेट पनिशेस विद इम्पार्शियल बोथ दोज हु किल देयर कंपैट्रियट्स, एक दूसरा रेफ्यूज टू किल फॉरनर्स, दो है ना। अब दोनों में से सेकंड जो है उसको बोल रहे हैं लैटर, तो फॉरनर्स को किल करना ग्रेवर, फॉरनर्स को किल नहीं करना ग्रेवर क्राइम है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों को ही लिख लेते हैं कंपैट्रियट्स और फॉरनर्स, फिर एग्जामिनर देख लेगा कौन सा सही है, फिर उसमें मार्क्स ले लेगा। ऐसा नहीं होता, जो ग्रेवर क्राइम है रिफ्यूज टू किल द फॉरनर्स ठीक है। और जैसे इसका मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक जगह रीडिंग कॉम्पिटिशन में आप लोगों को बताया है कि ऑर्नामेंटल वर्ड्स, डेकोरेटिव वर्ड्स मत लिखा करो। अब जैसे क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिटीजन सपोज टू डू व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्स देम टू पार्टिसिपेट इन वॉर, ये क्वेश्चन है ठीक है। अब इसमें है द क्या था, सिटीजन्स आर सब्जेक्टेड टू द हॉरर्स ऑफ वॉर, कहाँ पर है हॉरर्स ऑफ वॉर, ये रहा। इट इज अमेजिंग दैट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मेन शुड टॉलरेट अ सिस्टम व्हिच कंपेल्स देम टू सबमिट टू द ऑल द हॉरर्स ऑफ द बैटल फील्ड एट एनी मोमेंट व्हेन द गवर्नमेंट कमांड्स देम टू डू सो। तो यहाँ पर ऑल द हॉरर्स ऑफ द बैटल फील्ड, तो स्टूडेंट भी ऐसे ही लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, When the government asks the citizen to participate in war, the citizens are, फिर यहाँ पर आ जाओ,
आर कंपेल्ड टू सबमिट टू ऑल द हॉरर्स ऑफ द बैटल फील्ड एट एनी मोमेंट व्हेन द गवर्नमेंट कमांड्स देम टू डू सो. क्यों ऐसे मत करो, ये हॉरर फॉरर लिखने की जरूरत नहीं है. व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्ड द सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द वॉर, दे हैड टू एक्सेप्ट देयर ऑर्डर. ये भी लिख सकते, मुझे ध्यान नहीं है मैंने क्या आंसर लिखा है, मगर मैंने भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा. मैंने सब्जेक्ट टू हॉरर फॉरर कुछ नहीं लिखा है. दे हैड टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी, दे हैड टू डू व्हाट द गवर्नमेंट इज आस्किंग देम टू डू, खत्म. दे हैड टू फाइट द वॉर, दे हैड टू गो टू द बैटल फील्ड. ठीक है, ये सब लिखो, ये इसी को कहते हैं थोड़ा मॉडिफाई करना. ओके, तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान रखना है. हाँ, और कोई क्वेश्चन? अब देखो, एक मैम, चीज एक चीज, व्हाट एग्जांपल्स ऑफ अमेरिका एंड इंग्लैंड डज द ऑथर साइट टू इंडिकेट द पावर ऑफ द स्टेट. कोई मुझे एक क्वेश्चन समझा सकता है? कोई भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, मुझे समझाओ ये क्वेश्चन. शशि ट्राई करो. मैम अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो ऑथर बता रहा है कि उनकी पावर को शो करते हैं. ठीक है, तो अमेरिका की और इंग्लैंड की, राइट? तो इसका क्या मतलब है कि आपको अमेरिका के बारे में अलग पैरा लिखना है और इंग्लैंड के बारे में अलग पैरा लिखना है, दैट्स राइट? यस मैम. यस. अब ये नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, अमेरिका इंग्लैंड एक साथ कर देते हैं. तो आप क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चंस छुपे होते हैं, कभी कभी तो अलग पैरा में होते हैं, मगर कभी कभी इस तरह से भी होते हैं. तो आपको देखना है, अच्छा इस एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, पहले अमेरिका के बताओ, फिर उसके बाद इंग्लैंड के बारे में. हाँ, अब कौन क्या पूछ रहा था, मैं भूल रही हूँ, बताइए. यस मैम, मैम वो ब्लैक मनी वाला पैसेज का लास्ट क्वेश्चन एक बार ओपन कीजिए। ये 2017 का है ना? ब्लैक मनी कौन से ईयर में आया था? 17 में. एक सेकंड. ब्लैक मनी किस में आया था, कौन से ईयर में आया था? 15 में आया था? नहीं, 15 में नहीं आया था, 16 में आया था शायद. 16 में. यस, 16 में आया था. हाँ बताइए, लास्ट क्वेश्चन. यस मैम, मैम यहाँ पे ऑथर की ओपिनियन के हिसाब से कैसे जानेगा? हाँ, सब कोई पहले ना लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. लार्ज स्केल इवेशंस ऑफ टैक्सेस टेक्स प्लेस ड्यू टू एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस, आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज. ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया सभी ने? ठीक है, अच्छा. वरुण, वरुण क्लास में हो? यस मैम, हाँ वरुण, मुझे बताइए कि इसमें आप क्या, मैं कंटेंट नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है? आप इसमें अपना आर्गुमेंट फॉर में दोगे कि अगेंस्ट में दोगे कि दोनों में दोगे, फेवर में, अगेंस्ट में या दोनों में? मैम इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट आल्सो मैम। नो, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेम्बर, इट डजेंट डिपेंड ऑन द कॉन्टेंट. बताइए, फॉर में दोगे कि अगेंस्ट में दोगे कि दोनों में दोगे?
आई विल चूज बोथ मैम, दोनों। बोथ? अच्छा ठीक है फाइन. रवीश आप बताइए, फॉर में दोगे, अगेंस्ट में दोगे, दोनों में दोगे? दोनों मैम दोनों में देंगे मैम। में दोगे. प्रिंस बताइए, फॉर में, अगेंस्ट में, दोनों में? मैम दोनों में, पार्थ ऑप्शन अभी पार्थ बताओ। नितिन. मैम दोनों में देंगे मैम यहाँ टैक्स इवेजन हुआ है, तो मैम ऐसा क्यों हुआ है तो उसके हिसाब से देंगे. रे. अच्छा कौन बोल रहा है कि मैं एक ही में दूंगा? हाथ उठाओ, कौन बोल रहा है कि मैं सिर्फ एक ही में दूंगा? मैम, एक ही में आएगा क्यों? मैम, और है ना वहां पे। मैम यस स्टूडेंट्स, और है, देख रहे हो, ये रहा. डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, इवेजन हो रहा है, देखते हैं क्यों हो रहा है. नहीं, मैं फिर से बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, एक-एक वर्ड को अच्छे से पढ़िए. तो अगर आप दोनों में दोगे, एग्जामिनर नहीं वैलिडेट करेगा, आपको 0 आएगा. फॉर और का मतलब अथवा अगेंस्ट, या तो फॉर में लिखो या तो अगेंस्ट में लिखो, दोनों में नहीं लिख सकते हो आप. इसीलिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि एग्जाम में अपना दिमाग को एकदम रिलैक्स रखिए, इतना रिलैक्स कि आप क्वेश्चन को अच्छे से, एक एक वर्ड को पढ़ो, समझो और रिफ्लेक्ट करो. ठीक है, तो जब मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं. ठीक है, बताइए मांशु, आप क्या पूछ रहे थे? तो मैम इसमें कोई भी अगर फॉर और अगेंस्ट अपना ओपिनियन आता है तो क्या वो ऑथर के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस रहेगा? जैसे अभी अनु ने भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था कि कोई एकदम ऑथर एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात, इलॉजिकल बात, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, ऐसा कुछ बात करता है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो आप ऑब्वियसली राइटर के अगेंस्ट रहोगे. मगर मुझे अभी तक ऐसा कोई पैसेज नहीं मिला है. ठीक है, यहाँ पर ऑथर जो है वो लॉजिकली बता रहा है कि जो टैक्स इवेजन होते हैं, टैक्स को पे करना अवॉइड किया जाता है, वो एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस, एग्जॉर्बिटेंट मतलब हाई टैक्सेस की वजह से नहीं किया जाता है. ये ऑथर साफ साफ अपने पैसेज में बोल रहा है, तो आप लोगों को, और लॉजिक भी दे रहा है. ठीक है, तो आप लोगों को इस अगेंस्ट में बोलना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस से की वजह से टैक्स अवॉइड किए जाते हैं. टैक्स अगर हाफ भी ऑथर साफ साफ बोल रहा है, टैक्स अगर हाफ भी कर देंगे ना, तब भी लोग टैक्स अवॉइड करेंगे. ठीक है, उसका ब्लैक मनी का एविडेंस देता है ना कि ब्लैक मनी रहेगा ना, वो तो ब्लैक मनी का अकाउंट तो कुछ है नहीं, अनअकाउंटेड मनी है वो. ठीक है, तो उसका टैक्स कैसे होगा? ओके, सो लॉजिक है ना. अब इसके अगेंस्ट हम क्या लिख, इसके फेवर में तो हम लिख ही नहीं सकते. ठीक है, और कुछ, और कोई क्वेश्चन? ओके फाइन. तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पैसेज दिया है, छोटा सा पैसेज है, अच्छे से लिखना प्लेन शीट में दोनों तरफ मार्जिन देकर. और ये आपका बेसिकली टास्क वन है, जो कल होने वाला था, हम क्यों ना आज ही से शुरू कर दे. ठीक है, तो प्लेन पेज, दोनों तरफ मार्जिन, पैसेज नहीं लिखोगे, इजी वन, इजी वन लिखा, इजी वन. ठीक है, और उसके बाद ऐसे करके, जैसे ये है तो मुझे पता चलना चाहिए ये इजी वन है, तो यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन हो गया, और फिर उसके आंसर लिखो, और आपका दोनों तरफ मार्जिन होगा ही होगा, यहाँ पे आंसर लिखो, फिर टू लिखो, है ना, थोड़ा गैप देना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखो और फिर आंसर लिखो, और फिर फोटो खींचो,
और फोटो खींच के पीडीएफ में आप उसको कन्वर्ट करो और पीडीएफ फाइल का नाम दो और फिर फीडबैक ग्रुप में सेंड कर दो, और आपका आज 12 बजे तक चेक हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैसेज आपको करना है और वो आज आपका 4 बजे तक चेक हो जाएगा। तो हम आज 2 पैसेज कर लेंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी, ठीक है ना? अगर हम शेड्यूल से पहले रहेंगे तो अच्छा है ना। ऑल्टर होना थोड़ा सा, मतलब कि शेड्यूल अगर बिगड़ भी गया ना तब भी हम सही ट्रैक पे रहेंगे। एनीवेज ठीक है स्टूडेंट्स, ओके फिर मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर्स का। थैंक यू।